थैंक यू सो मच। इनफैक्ट जो मेन प्रतिक्रिया मैं वेट कर रहा था वो महावीर सिंह जी और गीता बबीता की थी। और एक हालांकि इतने लोग फिल्म देख चुके थे पहले और उनकी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक थी और सब लोगों को बहुत पसंद आई थी, बट मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा था कि महावीर जी और गीता और बबीता को ये फिल्म कैसी लगेगी। और जब उन्होंने आके बोला कि फिल्म उनके दिल को छू गई तो बहुत बड़ा मेरे लिए रिलीफ था एक्चुअली, बिकॉज मैं थोड़ा सा नर्वस था जिनके ऊपर कहानी लिखी गई है उनको कैसी लगती है। हाँ, उनके साथ इंसाफ किया कि नहीं जी। मोर देन परफेक्ट होते हैं मेरे ख्याल से। एज ए डायरेक्टर इससे ज़्यादा आप कुछ मांग नहीं सकते। एक कलाकार इतने बड़े स्टेचर का इतने दूर तक जाकर आपके विजन को साकार करने में पूरी कोशिश करे, और ना सिर्फ कोशिश करे बल्कि उसको आपकी उम्मीदों पे कई गुना ज़्यादा खड़ा उतरे, उससे ज़्यादा कोई एक डायरेक्टर नहीं मांग सकता। एक्चुअली मुझे एक चीज़ कहनी है, वो ये कि जब कोई भी डायरेक्टर कहानी सुनाता है तो हम जब कहानी सुनते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है, एक इमेजिनेशन होता है। और मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी डायरेक्टर की ये होती है कि जब वो आपको जो आपको नरेट करे जो पेपर पे है वो पर्दे पे उसी तरह ला सके, उसको और बेटर ला सके। और मुझे बेहद खुशी है कि नितेश जी एज ए डायरेक्टर उन्होंने जो मुझे सुनाया था उससे 10 कदम आगे उन्होंने फिल्म बनाई है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जो मैंने ट्रस्ट और फेथ नितेश जी में रखा वो उससे आगे बढ़कर उन्होंने हम सबको इतने अच्छी तरीके से लीड किया, जिस समझदारी से फिल्म बनाई है। तो थैंक यू सर। अगर किसी ने ये फिल्म पहले नहीं देखी होती और अगर ये फिल्म पहली बार दर्शकों के सामने जाती तो जाहिर है कि मैं बहुत नर्वस होता, बट थैंक्स टू आमिर सर, हम लोगों ने इतनी प्रतिक्रियाएँ ले चुके हैं हम लोग लोगों की और इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला है, इतनी तारीफ मिली है कि अभी नर्वसनेस बहुत कम है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन सर मैं आपको बताऊँ, थिएटर में जब ऑडियंस देखती है ना तो फिल्म की एक अलग ही ज़िंदगी हो जाती है, तो उसका मुझे इंतज़ार है। मैं अभी तक नर्वस, मेरा नर्वसनेस अभी तक गया नहीं है, मेरा टेंशन अभी तक गया नहीं है, हम देखते हैं 23 का इंतज़ार है। हाँ देखिए, मुझे लगता है नितेश जी और मेरे लिए सबसे अहम जो है वो हम जिनके लिए हमने फिल्म बनाई है, जो हमारी ऑडियंस है उनको फिल्म कैसी लगती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड, वही हमारे लिए है कि हमारी ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।